सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश रुक गई है और मौसम थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब भी हो रहा है। बादल भी आ रहे हैं और धूप भी निकल रही है। तो हम सबसे पहले अपनी भैंसों को घास ले आते हैं काट करके। तो आज हरदीप के पापा घास काटेंगे। और घास लाने के बाद आज मैं बनाऊंगी सरियारे के लड्डू, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और शरीर को गर्माहट भी देते हैं। मैं हर बार बनाती हूँ, तो आज भी बनाऊंगी मैं सरियारे के लड्डू और आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। उतनी ज़्यादा तो मैं होनी कुक मुझे आता नहीं है, पर जितना मुझे थोड़ा सा आता है तो वो तरीका मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो ये काटना शुरू कर दिया हमने घास, और ये घास काट रहे हैं हम घर के नज़दीक ही, क्योंकि आज मौसम खराब है तो ये जो नज़दीक वाला घास होता है वो बारिश के दिन काटते हैं हम इसको, इसलिए छोड़े होते हैं हमने घर के नज़दीक जो घास के पेड़ होते हैं उनको हम पहले नहीं काटते हैं। जिस दिन बारिश होती है उसी दिन हमारे काम आते हैं ये। तो घास लेके हम आ गए हैं और हमने भैंसों को घास भी डाल दिया है और भैंसों को भी बाहर बांध लिया है हमने, क्योंकि अभी धूप निकल गई है, बढ़िया मौसम फिर से साफ हो गया है। तो अब घास डालने के बाद मैं आ गई हूँ, अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे सरियारा, ये है सरियारा, थोड़ा सा देसी घी ये लिया है मैंने 2 चम्मच देसी घी के, और ये लिया है मैंने गुड़, इसको मैंने भिगोने के लिए डाल दिया है पहले से ही, क्योंकि इसमें कचरा होता है तो इसको मैं छान करके डालूंगी फिर। तो सबसे पहले मैं इस सरियारे को रोस्ट करूँगी। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसको डालूंगी इसमें कढ़ाई में। और ये देखिए ऐसे खिलता है पॉपकॉर्न के जैसे खिलता है। अब इसको मैं 2 मिनट तक चलाती रहूँगी ऐसे, जब तक ऐसे फूटेगा है सारा, तो तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। तो सरियारा मैंने रोस्ट कर लिया है, अब इसको मैं थाली में निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई को रख लूँगी फिर से इंडक्शन पर, क्योंकि इसमें मुझे चाशनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डालूँगी। तो घी गर्म हो गया है हमारा, इसमें मैं गुड़ को डालूँगी छान करके, क्योंकि इसमें होता है कचरा। और इस गुड़ की मैं अब एक तार की चाशनी बनाऊँगी, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाती रहूँगी। तो ये देखिए चाशनी में अभी एक तार बन रही है, तो ऐसी चाशनी चाहिए थी मुझे। तो अब मैं इंडक्शन को कर लेती हूँ बंद, और अब ये सरियारा मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो सरियारा को मैंने अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो लड्डू बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है, तो इसको मैं हाथों पे ऐसे लगाऊंगी और ऐसे करके, अब ऐसे थोड़ा सा लूंगी मैं यहाँ से, और इसको ऐसे करके थोड़ा सा इकट्ठा करके। ये देखिए ऐसे इसके लड्डू बन गए, लड्डू बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैं सारे लड्डू को बना करके रखूंगी। और ये लड्डू जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, क्योंकि ये जो चाशनी होती है ना ये सख्त हो जाती है, फिर अगर ठंडा हो जाता है तो इनको जल्दी जल्दी से बनाना होता है। फिर साइज अपनी मर्जी का बना सकते हो, जैसा भी आपको साइज पसंद हो। तो लड्डू बना करके मैंने रख लिए हैं, और ये सरियारे के लड्डू ना आजकल सर्दियों में बहुत हेल्दी होते हैं ये, और गर्म भी होते हैं ये सरियारे के लड्डू, और गुड़ डाला होता है इसमें तो तब तो ये आजकल सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये। तो बाज़ार में भी मिलते हैं वैसे तो ये बने हुए, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने घर में ही बनाती हूँ। जो भी कुछ बनाना होता है ना, मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि अपने घर में ही बनाती हूँ, और अपने घर के बनाए हुए खाते हैं हम ज़्यादातर। तो आप लोग भी ये लड्डू बना करके ज़रूर खाइए, और अपने बच्चों को भी खिलाइए, और सब लोग मस्त रहिए। तो मेरे पीछे देखिए मौसम फिर से एकदम से ख़राब हो गया है और बारिश लगने वाली है, तो मैं अभी यहीं पे करूँगी अपनी वीडियो का एंड। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।